सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान कृष्ण चड्ढा को नगर निगम द्वारा सस्पेंड किए जाने के विरोध में चंडीगढ़ की सभी यूनियन एकजुट हो गई हैं, जिन्होंने अब सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ मिलकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कृष्ण चड्ढा को सस्पेंड किए जाने के फैसले को गलत ठहराया है। यूटी कर्मचारियों की सभी यूनियन ने मिलकर इस फैसले के खिलाफ सेक्टर 17 स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी यूनियन ने साफ किया है कि कृष्ण चड्ढा को सस्पेंड किए जाने के फैसले को अगर वापस नहीं लिया जाता तो कल से पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को चौपट कर दिया जाएगा। मेरा नाम रघुवीर चंद, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमसी प्लाइज फेडरेशन प्रेसिडेंट। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे जो वर्कर हैं आउट सोर्स पे हमारे वर्कर काम कर रहे हैं 10-10 साल से, जो उनको सैलरी ये दे रहे हैं 11-12 हज़ार रुपया, वो भी जो हमारी सैलरी जो टाइम से नहीं देती है, दी जा रही 2-2 महीने बाद सैलरी देते हैं। और हमारी ये मांग है कि इनको जो आउट सोर्स के वर्कर हैं इनको हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाए ताकि इसकी जो जिम्मेवारी है वो डिपार्टमेंट से है। ये मैं एमसी हॉर्टिकल्चर वर्क रहेगा, मैं सभी डिपार्टमेंट है, ये हॉर्टिकल्चर है, रोड है, बिजली है, पानी है, ICCWO, मतलब 17-18 यूनियन हमारे फेडरेशन में काम कर रही है। हमारी मांग है कि इनको जो डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाए ताकि जो ठेकेदार बीच में बिचौलिया है उसको निकाल के सही तरीके से इनको सैलरी मिले और जो ठेकेदार को कमीशन दे रहे हैं वो इन वर्करों को मिले। और जो हमारे रोड के वर्कर हैं उनको देखो, जो वर्दी है, तेल साबुन है, वो टाइम से नहीं दिया जा रहा है। 7 साल वर्दी देते हैं, तेल साबुन नहीं देते। हमारी मांग है इनको वो टाइम से दिया जाए। और हमारे जो यहाँ के MP हैं किरण खैर जी मैडम, वो पिछली बार भी MP रह चुके, आप भी है, जो हमारा आउटसोर्स है उसके बारे में उन्होंने फेसबुक पर दिया एक इंटरव्यू जिताओ कि हम जितना भी ये आउटसोर्स है ठेकेदारी पत्ता बंद करके इनको हम पक्के मुलाजिम बनाएंगे, ये मैडम बोल रहे हैं। अगर इनको पक्के मुलाजिम बना, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये ठेकेदारी सिस्टम है, ठेकेदारी सिस्टम तो चल ही रहा, अब एक जो जैम कंपनी आ रही है, अब ये जैम के थ्रू कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जैम कंपनी आ रही है, जो जब आप कह रहे हैं इनको सरकारी दायरे में करना, फिर जैम कंपनी को जरूरत नहीं। अगर जैम कंपनी आ रही है, हमारी मांग है कि हमारे जो ये वर्कर काम कर रहे हैं यही वर्कर काम करेंगे, हम वर्कर जो वो नए वर्कर नहीं रखने देंगे, हमारी ये मांग है। और देखने में ये बात आ रही है कि किसी को सस्पेंड भी किया गया है, मजदूर यूनियन के जो वो ऐसा है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जो प्रेसिडेंट है किशन कुमार चड्ढा जी, हाँ जी, उनको सस्पेंड किया गया। अगर हमारी ये भी डिमांड है, अगर उनके साथ कोई ज्यादती किया, कोई इस पर एक्शन किया, उसको बाहर ना किया, तो हम उनके समर्थन में, उनकी सपोर्ट में सभी जो यूनियन है हम रोड में आगे इकट्ठे होंगे, उनका साथ देंगे और उसकी जाति नहीं होगी। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।